राजू। ए, रुक जाओ, उसका तो सिर्फ नाम राजू है, असल राजू तो हम हैं। अच्छा बैठ है तेरा। भाई गलती पहली बार हुई मुझसे, अगली बार नहीं होगी। उसे छोड़ दो, मैं पैसे दे दूंगा। पैसा ना देने का नाटक कर रहा है? पैसा लेके आ, फिर लड़की लेके जा। जरूरी काम से मुंबई जा रहा हूँ भाई, मेरी जिंदगी का सवाल है। वहाँ से आने के बाद पैसे दे दूंगा। बॉम्बे से आने के बाद लड़की को ले जा, ऊपर से भाई बोल रहा है ना, वो हमारे साथ जुड़ जाएगी। भाई उसे छोड़ दो। नहीं छोड़ेंगे तो क्या कर लेगा रे? हाँ क्या कर लेगा बोल, क्या करेगा, क्या करेगा बोलना। तुझे बोला था ना कि लड़की को छोड़ दे। पहले ही पता था किसी भी दिन ऐसा ही होगा। देख बाबा, साला क्रिमिनल बन गया है। अरे लकड़ी का चम्मच बनाओ यार, मैं हाथ से नहीं खा पा रहा हूँ। और क्रिकेटर बनने वाला वो राजू क्रिमिनल बन गया। अरे सेनू चल। क्यों, अभी टाइम कहाँ हुआ है? अरे जेलर साहब राउंड पर आए हैं, बैरक के पास फोन मिला है। अरे किसी के पास फोन मिला तो उसे मेरा क्या मतलब है यार? ओ बकबक बंद कर, तेरे बैरक के पास एक फोन मिला है। ए? बात दो फोन की हुई थी, यहाँ तो एक ही फोन है, एक फोन और कहाँ गया? इसीलिए जेलर साहब ने तेरी 15 दिनों के लिए मुलाकात बंद कर दी थी। चल। अरे आधी स्टोरी बताई, अब मेरा क्या होगा? छोड़ो यार, माधवपुर में अयप्पा सोसाइटी में विठल सेठ मिलेगा, उससे मिलो। उनका फोन नंबर है क्या? उससे मेरा झगड़ा है, मेरे बैरक में जो दो फोन है ना उसमें भी उसका नंबर नहीं है। अरे तूने दो दो सेल फोन रखा हुआ है? अरे सर मारो मत, सर मत मारो ना भैया। माधवपुर लेना। हेलो, सुबह से कॉल कर रही हूँ, कहाँ है तू? एक इम्पोर्टेंट काम कर रही हूँ। क्या हुआ बोल? कल हम सबको NCA मेन कैंपस में जाना है, अर्ली मॉर्निंग जाना है, इसलिए तू जल्दी आ जाना। ओके ओके बाय। क्या सेठ, मेरे बर्थडे के लिए सब लोग चंदा निकाल रहे, तुम क्यों कंजूसी कर रहे हो? तुम भी कुछ दे दो। तू मेरा बेटा है क्या? मैंने तुझे पैदा किया है क्या? क्यों दू? तू मेरा बेटा है क्या? मैंने तुझे पैदा किया है क्या? अरे अभी उधारी दे दो, मैं बाद में पूरे पैसे दे दूंगा। देखो ये दानवान का काम मैं नहीं करता। अरे दे दो ना अंकल। एक मिनट जाओ किसी और से। कैसी बातें कर रहे हो? आपको क्या चाहिए? विठल सेठ। हेलो
आपका फ्लैट बहुत अच्छा है। कितने में खरीदा? कुछ नहीं पड़ा बेटी, एक फ्रिज खरीदा था, लकी ड्रॉ में ये फ्लैट मिल गया। सुपर लकी हैं आप। सब ऊपर वाले की दुआ है बेटी। 4 साल पहले एक शॉप में 2 जोड़ी कपड़े खरीदे, लकी ड्रॉ में नैनो कार मिल गया। अभी परसों की बात है, 10 रुपए का ठंडा पिया तो 10 लाख मिल गए। इसीलिए वो गुंडे लोग मुझसे जल रहे हैं। इन 20 सालों में राजू के बारे में किसी ने नहीं पूछा और मैंने किसी को बताया भी नहीं। पता नहीं क्यों, लेकिन तुमसे बताने का मन हो रहा है। भगवान दास के मर्डर को पुलिस वालों ने बहुत ही सीरियसली लिया। 48 घंटे के अंदर राजू को गिरफ्तार करके उसे रिमांड पर भेज दिया। उस भगवान दास के आदमी ने हम पर अटैक किया, हमारी सारी दुकानें जला दी। अब क्या करें कुछ समझ नहीं आ रहा राजू, तुम ही बताओ। बेटा ले ये फल खा ले। चौड़ाई पल्ली के पास पुरुषोत्तम पर एक इन्फॉर्मेशन है सर। पुरुषोत्तम कौन है? दलाम में बहुत दिनों से काम कर रहा है। वहां के लोग कहते हैं वो कुंभकर्ण जैसा है, कितनी भी बारिश हो वो खराटे मार कर सोता रहता है। अगर जंगल में भूख लगी तो फल खाया जाता है, मगर ये कुत्ता कौवा जो मिला वो जला कर खा लेता है। वेपन्स में एक्सपर्ट, सिंगल हैंडेडली LMG हैंडल कर सकता है। सर वो रही बस। कौन है? क्या है वो? एक्सप्लोजिव है, बॉडी के बाजू में रख देते हैं। अभी जरूरत नहीं, गाड़ी में एक कॉपी रख। 20 साल से जो आंदोलन कर रहे हो, किस लिए कर रहे हो, क्या कर रहे हो और क्यों कर रहे हो, ये तुम्हें भी नहीं पता। मिनिमम 30 मीटर से निशाना साधो। सर ये यूज मत करो, 303 यूज करो, एक से ही काम हो जाएगा। इम्तियाज। हाँ बोल। परसों एक सांप ने काटा था, दवा खाने जाते समय तुम लोगों ने पकड़ा। मुझे छोड़ दो, तुम्हारे बहुत काम आऊंगा। मेरी 3 मांगे हैं। पहला, मेरे ऊपर जो केस है उन सभी से मुझे इसी वक्त माफी मिलनी चाहिए। दूसरा, मेरे सिर के ऊपर जो इनाम है वो भी मुझे ही मिले। तीसरा, जेल से बाहर आने के बाद मैं कोई धंधा डालूंगा जिसमें तुम पुलिस वालों का सपोर्ट चाहिए। नायडू। सर ऐसे छोड़ दे यार। ये क्या सर, इतनी मेहनत से पकड़ा है, मौत के सामने खड़ा है फिर भी ये जान का सौदा कर रहा है, ये हमारे काम आएगा। हाँ तो बोल क्या करने का है। जंगल में हुई घटना में स्टेट कमेटी का लीडर सव्य शास्त्री, उसकी बीवी अहिल्या और 16 नक्सलियों को पुरुषोत्तम नाम के नक्सली ने गोली मार दी, लेकिन ये पुलिस द्वारा किया गया ऑपरेशन है ऐसा माना जा रहा है। मारने से पहले पुरुषोत्तम ने उन सबको नींद की गोली खिला दी थी, लेकिन इस घटना के पीछे स्पेशल ब्रांच के इंस्पेक्टर का हाथ है, जनता ऐसा मान रही है। चाची 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 दीदी मर गई चाची। मैंने कहा था दीदी ये सब बंद कर दो, मां की तबीयत ठीक नहीं रहती, नहीं सुना उसने। अरे मां कहां है?
माँ कौन है? राजू लगाऊंगा। वैसा मत बोलो राजू, मेरी बात सुनो। नहीं लगाऊंगा मैं आग। राजू, राजू, ये मेरी माँ है, मैं कैसे आग लगा सकता हूँ? यहाँ आने जाने वाले हर किसी पर नजर रखो। ओके सर। वो ही इंटेलिजेंस में काम आएगा। तुझे, तेरी दीदी को, तेरे जीजा को और उनकी मेंटल सेना को बर्बाद कर दूंगा।